आप सब लोग होंगे अमीर परिवार से, तुम एक बड़े घर की बहू और एक वो टैलेंटेड डांसर, राइट? लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी मामले में तुम जनक के आसपास भी नहीं भटक सकती। वो जनक ही थी जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान तुम्हें इंडिया की बेस्ट डांसर मान रहा है। तुम्हें ना जनक का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि जो रुतबा और शौहरत जनक डिजर्व करती है ना, वो सब उसने बिना सवाल के एक झटके में तुम्हें दान में दे दिया था। और अब इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है उस इंसान की जिसने इंसानियत ही छोड़ डाली है अपनी दिमाग की गंदी उपज के चलते, घमंड के चलते। पर आदित्य के सामने किसी की भी बोली नहीं फूटी। अब यार ये सब तुम्हारे समझ की बात नहीं है। वैसे तुम्हें तो यकीन भी नहीं हो रहा था ना कि तुम्हारे पति बीमार है, इतना सीरियस है। यहाँ पर किस हक से खड़ी होकर इतनी अकड़ दिखा रही हो तुम? अनिरुद्ध के पास झनक है, तुम नहीं। पूजा करने के लिए झनक गई थी, तुम नहीं। जहां पर साइंस फेल हो जाता है ना, वहां पर फेथ काम में आता है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था अनिरुद्ध के लिए, ने हाथ खड़े कर दिए थे, कोई उम्मीद नहीं बची थी। उस वक्त जनक मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि उसे यकीन है कि भगवान उससे उसका अनिरुद्ध कभी नहीं छीनेगा। और अब तो अर्शी क्या, सृष्टि का ही होश उड़ जाता है। उन्हें क्या लगा था और हकीकत में क्या हुआ? एक बार फिर जनक आ ही गई बीच में उनके। इसलिए जनक उसके पास गई है ताकि पूजा का फूल उसके माथे पर लगाए और अनिरुद्ध ठीक हो जाए। That's very interesting. पूरी कहानी सुना दी, क्लाइमेक्स नहीं बताया कि कैसे वो लड़की तमाशा करके त्रिशूल उठा के हमें धमका कर अंदर गई अनिरुद्ध के पास। उस लड़की के पीछे मत पड़ो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मनहूस है वो, मनहूस। लिसन, वो आप लोगों को डरा कर धमका कर अंदर गई है और आप फैमिली होके भी यहाँ खड़े हो और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बीवी होके यहाँ खड़ी रहूं। मैं भी अंदर जाना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा झनक क्या कर लेगी, मार डालेगी मुझे। तो होने दो, अच्छा ही होगा, कम से कम एक ही बारी में किस्सा खत्म। अर्शी बेटा, तुम क्या चाहती हो? आंटी, मैं अनी से मिलना चाहती हूँ। अर्शी अर्शी, अभी डॉक्टर्स अलाउ नहीं कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, प्लीज, वो इंटेंसिव केयर में है। डॉक्टर्स आपको समझा सकते हैं, मुझे नहीं। एक बाहर वाली अंदर अनी के पास है और मैं उसकी बीवी यहाँ खड़ी हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तुम्हें हर बार बताना पड़ता है अर्शी कि तुम अनी की बीवी हो। और अब छोटौन की इतनी हिम्मत बढ़ते देख आग बबूला तो होना ही था। अगर तुम उसे सच में अपना पति मानती तो आज उसे छोड़कर नहीं जाती। बीवी होना और बीवी का धर्म निभाने में फर्क होता है अर्शी। अगर तुमने अपना फर्ज निभाया होता ना, तो आज हम यहां खड़े नहीं होते। झनक अंदर नहीं होती और तुम यहां बाहर खड़ी नहीं होती। तुम तो अपनी मां के साथ उसे छोड़कर चली गई। मां, क्या गलत किया, क्या गलत किया इसने? तुमने भी तो कैसे तैसे करके उस लड़की को यहां बुलाई लिया ना। सृष्टि जी, झनक को मैंने नहीं बुलाया था, झनक अचानक से हमें मिली। ओह, अचानक? हो सकता है ना, भगवान दोनों को शायद मिलाना चाहते हो, इसलिए झनक कोलकाता आई। और जहां यही सबसे बड़ी सच्चाई है, वहीं सृष्टि को कैसे होगा बर्दाश्त ऐसी बातें सुनकर, वो भी छोटौन के मुंह से, आदित्य की जुबान से। मैं नहीं मानता ये सब, झूठी कहानी है ये। तो जांच पड़ताल कीजिए, पुलिस को बुलाइए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे जेल में डालिए, सजा दीजिए मुझे। फिर
खैर, इन सब बातों का टाइम नहीं है हमारे पास। हमें अनी की कोई खबर नहीं मिली। अगर वो ऑपरेशन करने की हालत में होता तो उसे नीचे लेकर आए होते, डॉक्टर्स ने हमें इन्फॉर्म किया होता। इस बारे में सोच ले हम लोग। इसका मतलब वो लड़की जो फूल लेकर आई थी वो भी काम नहीं आए ना छोटौन? मेजो बोधी, मुझे विश्वास है कि अगर अब कोई चमत्कार होगा तो वो झलक की वजह से होगा। मॉम, आप आ रही हैं मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम भी मत जाना, ओके? उस लड़की से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम कल दुबई जा रहे हो, याद है ना तुम्हें? उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। और यहाँ तो आदित्य और छोटौन की बोली हर बात सही साबित हुई सबके सामने। तो फिर इतना ड्रामा क्यों कर रही है अर्शी अनी के लिए, झनक के खिलाफ? सब ड्रामा के चक्कर में अपना काम खराब मत करो। वाह, एक माँ होने के नाते ना एक बहुत ही कमाल की राय दिया आपने अपने बेटे को। शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, दो दिन बाद में जो दुबई डांस फेस्टिवल है ना, वहां पर जनक भी जाने वाली है। वैसे दो दिन है जाने में, और यह बात तो तय है कि जनक अनिरुद्ध को इस हालत में यहां छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। एक्चुअली यही फर्क है तुम में और जनक के अंदर। तुमसे किसी ने फर्क पूछा? हाँ, और तुम इस फैमिली के मेंबर नहीं हो ना, फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? Just get lost. No way. कहीं नहीं जाने वाला, झनक के साथ यहीं खड़ा रहूंगा मैं। और अब आदित्य से कौन लड़ेगा, इतनी बड़ी हस्ती जो है वो वहीं अब। और वैसे भी ना, इस परिवार के सभी लोग बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं यहाँ पर, जैसे कि बाबलू सर, छोटौन भाई, इन सब के लिए खड़ा हूं मैं यहाँ पर, और झनक के लिए भी। अर्शी कहाँ जा रही हो? और अर्शी कहाँ जा रही है वो तो सबको पता है, बस अब देखना ये है कि उसके जाते ही कोई और बबंडर खड़ा ना हो जाए अनी के जीवन में। देखते रहिए झनक की आगे की अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि धमाका तो आज होगा ही हॉस्पिटल में।